हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है इवोल्यूशन इंटीग्रल बाय पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में मुझे रीजन दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करना है डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेगा आपको कि क्या होता है। एक मैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेता जो बहुत बार पूछा गया है, आर डबल इंटीग्रेशन आर डी आर डी थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है लेकिन रीजन बाउंडेड बाय कर्व क्या दिया है, इसमें सर्कल का इक्वेशन दिया है। बोला है दो सर्कल है मेरे पास, आर इक्वल टू एक टू साइन थीटा है और एक आर इक्वल टू मेरे पास फोर साइन थीटा है। तो ये दो सर्कल के इक्वेशन है, कभी भी आर इक्वल टू कुछ भी रहेगा तो वो सर्कल का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू टू साइन थीटा दिया है और आर इक्वल टू फोर साइन थीटा दिया है। तो ये दो सर्कल के इक्वेशन है, मुझे इसका डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो कभी भी लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, रीजन बनाना। तो मैंने बताया था आपको कि साइन आर इक्वल टू साइन रहता है, आर इक्वल टू कॉस होता है, तो किस तरह से सर्कल बनते हैं मेरे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो साइन है यहाँ पे, साइन का मतलब होगा कि वाई एक्सिस पे बनने वाला है कर्व। ठीक है, जो भी सर्कल रहेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा। अब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगा कि निगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा वो इससे पता चलेगा, टू के आगे माइनस है कि प्लस है, टू के आगे क्या यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये ऊपर साइड बनने वाला है, अपर साइड बनने वाला है मेरा जो भी सर्कल रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस उसका होगा इसका हाफ, जो भी आगे कांस्टेंट होगा उसका हाफ होगा। ठीक है, तो टू का हाफ क्या होता है वन, तो यहाँ पे वन कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होता है वन। ठीक है, वन डिस्टेंस यहाँ पे होगा कहीं, इसको लेके आपको ऐसा ड्रॉ कर देना सर्कल। ठीक है, मान लो यहाँ पे वन है। ठीक है, तो वन डिस्टेंस, वन डिस्टेंस, और ये वाला कितना होगा, डिस्टेंस टू होगा। ठीक है, तो ये सर्कल मेरा किसका हो गया, आर इक्वल टू टू साइन थीटा। ठीक है, इसको बाद में लिखता हूँ। अब इसका साइन थीटा है, ये भी वाई एक्सिस पे बनने वाला है, लेकिन इसका रेडियस क्या होगा, टू होगा। तो टू कहाँ पे, यहाँ पे टू, तो इसको लेके हमें एक बड़ा सर्कल सा बना देना है। ठीक है, इसको आगे कर देता हूँ। तो ये डिस्टेंस टोटल टू हो गया, ये डिस्टेंस टोटल टू, और ये वाला फोर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये बाहर वाला सर्कल मेरा क्या है, फोर साइन थीटा, आर इक्वल टू फोर साइन थीटा, और अंदर वाला सर्कल क्या है मेरा, आर इक्वल टू टू साइन थीटा। आई होप आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा तो आप वापस रिपीट करके पूछ देख सकते हैं, और नहीं समझा तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वापस से बना लूँगा इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए आप, ये अभी डायग्राम बन गया। तो ये दोनों डायग्राम के बीच में कौन सा रीज़न आ रहा है मेरा। ठीक है, तो रीज़न मुझे साफ दिख रहा है कि ये रीज़न है मेरा। ठीक है, इसमें कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला उसने, नहीं तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट लेते हैं। इसमें डायरेक्ट बोला कि रीज़न दोनों सर्कल के बीच में क्या आएगा, तो ये आएगा रीज़न। ठीक है, रीज़न मिल गया मुझे। रीज़न मिलने के बाद क्या करना होता है, हमें लिमिट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो लिमिट फाइंड करते हैं, आर क्यूब डी आर डी थीटा। ठीक है, अंदर क्या है, डी आर है, डी आर है, तो आर का एक आर आर कैसे निकालते हैं, लोअर टू अपर जाना है। ठीक है, रीजन में लोअर टू अपर जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बाहर तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है अपना, ये वाले सर्कल में आर क्या है, यहाँ पे टू साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू साइन थीटा। अब अपर लिमिट यहाँ पे आर क्या है, ये वाले बाहर वाले सर्कल पे फोर साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोर साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा का लिमिट लिखना है। थीटा का लिमिट क्या होता है, यहाँ पे रखना है एक्स एक्सिस पे, आपको यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है मेरा, देखो ये जो रीजन है यहाँ पे टच हो रहा है आके एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक वो रीजन जा रहा है, पूरा रोटेट करके वापस यहाँ पे पाए पे आ रहा है, मतलब जीरो और ये 90 होता है, ये पाए होता है। ठीक है, तो जीरो से लेके पाए तक मेरा एंगल बन रहा है। यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और ऐसे घुमाना है, कहाँ तक जाना है वो दिखना है, तो यहाँ पे पाए तक जा रहा है। तो थीटा है जो मेरा जीरो से लेके पाए तक जा रहा है। तो हमें डायग्राम बना लिए, डायग्राम बनाने के बाद लिमिट निकाल लिए, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो बाकी चीज़ मैं रफ कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, जीरो टू पाए। अब इसका आर डी आर से करना है, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर पावर फोर बाय फोर, और इसमें पुट करना है फोर साइन थीटा और यहाँ पे टू साइन थीटा। ठीक है, ये पुट करना है आर के जगह पे, फिर डी थीटा ऐसे ही रहेगा। अब फोर साइन थीटा यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो क्या आएगा देखना, जीरो टू पाए फोर पावर फोर इंटू साइन पावर फोर थीटा डिवाइड बाय फोर, माइनस टू पुट करना है तो टू पावर फोर इंटू साइन पावर फोर थीटा डिवाइड बाय फोर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, ये पार्ट कॉमन दिख रहा है पूरा, इसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, कितना साइन पावर फोर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन मेरा आ जाएगा साइन पावर फोर थीटा डिवाइड बाय फोर। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो टू पाए, और यहाँ पे बचा क्या मेरा अंदर, फोर पावर फोर, फोर पावर फोर माइनस टू पावर फोर, ठीक है, इंटू डी थीटा। तो फोर पावर फोर क्या होता है,
तो यहाँ पे 0 टू पाई साइन 4 थीटा डिवाइड बाय 4, और ये कितना होता है 256 माइनस, और ये 16 होता है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता इसको 240, ठीक है 240 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 60। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, 0 टू पाई साइन 4 थीटा और 60 मल्टीप्लाई 60 इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो साइन पावर 4 थीटा है, अगर मेरा यहाँ पे इसको रफ करता इतना मैं, देखो 0 टू अगर मैं इसको पाई बाय 2 कर दूँ, ठीक है 0 टू पाई बाय 2 कर दूँ, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूले के हिसाब से, एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है एंगल हाफ हो जाता है। या तो जो डायग्राम था मेरा, देखो डायग्राम 0 था, यहाँ पे पाई था ऐसा करके था, सॉरी डायग्राम हमारा कैसा था, डायग्राम हमारा ऐसा था, ठीक है। तो आपने क्या किया था, 0 से लेके कहाँ तक राउंड किए थे, यहाँ तक पाई तक, तो मैं क्या करता हूँ यहीं तक लेता हूँ ना, यही वाला पार्ट निकालता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक होता है दोनों, ठीक है। तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक ही करता हूँ मैं, 0 से लेके पाई बाय 2 तक करता हूँ, लेकिन 2 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई आगे कर दिया और 0 टू पाई बाय 2 लिख दिया मैंने, तो लिख सकते हैं अभी 0 टू पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 टू पाई बाय 2 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 थीटा इंटू 60 आगे लिख दिया इंटू डी थीटा, ठीक है। अभी ये मैं पाई बाय 2 क्यों लिखा आपको बताता हूँ, पाई बाय 2 क्यों लिखते, देखो अगर साइन होता है कॉस होता है, अगर साइन होता है या तो कॉस होता है, तो अगर इंटीग्रेशन के साथ 0 टू पाई बाय 2 होता है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता, हमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इसके लिए मैंने 0 टू पाई बाय 2 किया उसको। तो किस तरह से डायरेक्ट आंसर आता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, 0 टू पाई बाय 2 है और साइन है अंदर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 120, और इसका आंसर अभी देखो कैसा आएगा, साइन रेस टू 4 है तो एक लाइन खींचने का, साइन रेस टू 4 है तो क्या नीचे 4 लिखने का, ऊपर 3 लिखने का, फिर नीचे 2 लिखने का, ऊपर 1 लिखने का, फिर मल्टीप्लाई पाई बाय 2, मल्टीप्लाई पाई बाय 2 ऐसा करना रहता है। देखो यहाँ पे पावर 4 था, अगर पावर बोलते आपकी कॉस पावर 6 होता तो ऐसा होता, तो कॉस पावर 6 होता तो कुछ नहीं, 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, ठीक है ऐसा करना होता है। अगर ये ऑड होता नंबर, ये ऑड होता पावर, ये भी ऑड होता, अगर 3 होता, समझ लो अगर 5 होता, 5 होता तो क्या आता देख लेते, साइन कॉस में दोनों में सेम होता है, यहाँ पे ऑड है अगर पावर, तो 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 नहीं आएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं आएगा, जब इवन पावर है तो ही पाई बाय 2 आएगा, अगर ऑड पावर है तो पाई बाय 2 नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से मेरा ये आंसर आ गया डायरेक्ट, इसलिए मैंने पाई बाय 2 उसको किया, ठीक है। तो अभी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 260 फिर 230 फिर कितना देखा देखिए ना 90/4 पाई, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 45/2 पाई। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला सम, किए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पोलार कोऑर्डिनेट के हम आगे सम लेने वाले, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।